प्रभु यीशु मसीह में आप सबको प्रणाम। और आज प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए ये सुंदर मौका उसने दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और अंत का बाद मैंने नक्शों में देखा, मैंने न्यूज में सुना, लेकिन आज पहली बार आपके इस शहर में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। लोग से पूछते हैं आपका यीशु हमारे लोगों से कैसा अलग है, आपका यीशु क्यों एकमात्र परमेश्वर है? क्योंकि हम जब यीशु के भक्तों को देखते हैं तो उनका जीवन और हमारा जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम जब देखते हैं उनके विचारों को और हमारे विचारों को देखते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनका रहन सहन और आपका रहन सहन कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ही एक उद्धारकर्ता है? अच्छा सवाल, सही बात है। और जो उस महाजन ने कहा वो भी सही है। चारों ओर दुनिया में देखो तो यीशु के लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और जो यीशु के लोग नहीं है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। देखने में भी ऐसे लगते हैं, चलने में भी ऐसे लगते हैं, काम भी वैसे करते हैं, फिर क्यों हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने? आप क्या सबूत दे सकते हैं? झूठ तो सभी बोलते हैं, चोरी तो सभी करते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, क्योंकि सबूत तो हम आपके खिलाफ है। सही बात है, आप भी कोर्ट केस में जाते हैं, हम भी जाते हैं। उसने बोला कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि हम लोगों को माफ कर देना चाहिए, कहाँ माफ करते हैं, 6 इंच की जमीन के लिए तो हम किसी को भी मार दे। सही बात है ना? तो कैसे बोल सकते हैं कि यह यीशु मसीह एक इंसान करता है, क्यों विश्वास करें? आज सबूत प्रभु यीशु मसीह की कमी के कारण नहीं है, आज सबूत आपके और मेरे कारण है। आज दुनिया देखना चाहती है कि यीशु मसीह कौन है। आज यह देखना चाहती है कि यीशु मसीह को हम क्यों स्वीकार करें, क्यों ही एकमात्र उद्धार करता है। आपकी बोली और मेरी बोली में कोई फर्क नहीं, लोग बोलते हैं। आपके गीत और मेरे गीत में कोई फर्क नहीं, तो हम क्यों माने? क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? और आज उसी जवाब को लेकर मैं परमेश्वर के वचन को खोल के बताना चाहता हूं। हमारे नाम तो हो सकते हैं प्रभु दास, लेकिन काम है शैतान दास के। क्या करेंगे हम? यीशु मसीह को कैसे दिखाएंगे हम? हम निकाल रहे एक सबसे सुपरिचित यमुना जी सुषमाचार का 3रा अध्याय, जो बचपन से हमने सीखा है। बच्चे बच्चे अपनी जबान में जानते हैं 3रा अध्याय और 16वां पद, सब जानते हैं। हजारों भाषाओं में लोग बोलते हैं इस पद को। कितने प्रचारक हो इस पद की व्याख्या करते हैं। पर आज उसी अध्याय से एक और बार यह साबित करना चाहता हूं कि नया जीवन एक अलग ही बात है। क्यों दूसरे लोग आप पर और मुझ पर आरोप लगाते हैं कि शायद हमने नया जीवन कभी पाया ही नहीं है? आई कारण यमुना सुषमाचार उसका 3रा अध्याय, और इस 3रे अध्याय में हम देखते हैं एक व्यक्ति जो फरीसी था और उसका नाम निकोदिमस था, जो यहूदियों का सरदार था। उसकी बारे में सोचे तो उसको सब कुछ था दुनिया के लिए, दुनिया में रहने के लिए। फरीसी था, उस जमाने के आ जाने माने लोग थे, धार्मिक लोग थे, दूसरी देखकर उनको सलाम करते थे लोग। और क्या था, इतना नहीं वो एक सरदार भी था, यहूदियों का सरदार था। उसकी काम उसका काम भी बहुत अच्छा था।
लेकिन एक दिन ये व्यक्ति हो सकता है उसने यीशु मसीह को देखा होगा, हो सकता है उसने यीशु मसीह को बाजार में देखा होगा, हो सकता है उसने यीशु मसीह को मंदिर में देखा होगा, हो सकता है उसने यीशु मसीह को पापियों के साथ बैठा हुआ देखा होगा, हो सकता है उसने यीशु मसीह को दूसरों के साथ बात करते हुए देखा, प्रवचन देखा होगा। उसने क्या सोचा, एक दिन मुझे जाना है, एक दिन, कोई भी दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए गलत दिन नहीं है। फिर कोई दिन गलत नहीं है। हम सूरज देख के नहीं निकलते, चांद देख के नहीं निकलते, तारे देख के नहीं निकलते, कभी भी निकल सकते हैं कि यीशु मसीह अपने हाथ को फैला हुए बोलता है मेरे पास आओ। ये व्यक्ति रात को गया, रात को कौन जाता है, या तो चोर जाता है, या तो मुंह छिपा के जाता है, डरता है, शायद डरता होगा क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे। उसको मारने के लिए क्या था, कोई सबूत नहीं था, कोई गलत नहीं किया था, कोई पाप नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी प्रवचन उसको अच्छा भी लगा क्योंकि फरीसियों के दिल में चुभता था, शास्त्रों के दिल को तोड़ देता था। विद्वान लोग सोचने लगते थे उनकी परंपरा नष्ट हो जाएगी, शायद यहूदी होने के नाते वो रात को यीशु मसीह के पास आया, कभी भी आ सकते हैं यीशु मसीह के पास, उसके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन यीशु मसीह खींच के नहीं ले जाएगा, आपको खुद आना पड़ेगा, आपको खुद। हो सकता है यहां पर बैठे हुए कई लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन आए नहीं, कभी आए नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, इस प्रकार उसने कहानी बताई कि मैं एक स्टेशन में शू पॉलिश करता था, मैं नंगड़ा था और एक कोने में बैठकर मैं पॉलिश करता था। इतनी भीड़ थी ट्रेनों में, लोग उतरते थे जाते थे, स्टेशन में एक व्यक्ति ने आकर और मेरे जो पॉलिश करने का साधन है उस पर लात मारा, जान के नहीं गलती से लग गया। अगर मुंबई में आए तो आप स्टेशन में चलेंगे तो आपको फर्श तो दिखेगा ही नहीं, कहां पैर रखने का है वो जमीन दिखेगी नहीं। और इसलिए एक व्यक्ति ने जब गलती से उसके उस पॉलिश करने के सामान को बिखेर दिया, लोग कोई तो ब्रश में चढ़ के चला गया, कोई पॉलिश में चढ़ के चला गया, कोई ने परवाह नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति रुककर उसको इकट्ठा किया और इस आदमी को लंगड़े लड़के को दिया, तो उस लड़के ने बोला भाई साहब आप यीशु मसीह हैं क्या, आप यीशु मसीह हैं क्या। उसने बोला मैं यीशु मसीह तो नहीं हूं लेकिन उसका शिष्य हूं, उसका शिष्य हूं। वचन कहता है हमारे कामों को देखकर वो पिता को जानेंगे, लेकिन हमारे काम को देखकर किसको जानते हैं, अपने आप को जानते हैं। वो क्या सोचते हैं, उससे अच्छा अच्छा तो मैं हूं, तो उसका भगवान क्या है, मेरा सही है। ये व्यक्ति रात को आया और आकर उसने सही बोला, उसने यीशु मसीह को तीसरे पद में दूसरे पद में लिखा है, उसने बुलाया हे रबी, कितना अच्छा वह शब्द है स्वामी। हम भी यीशु मसीह को आकर बुला सकते हैं हमारा उद्धार करता, हम भी बुला सकते हैं वो मेरा प्रभु है, मेरे सब कुछ पूरा करने वाला है, हम भी बोल सकते हैं। इसने भी बोला हे प्रभु। हो सकता है आप सही बात बोल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं ये सही बात है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ये सही बात है, आपके गीत अच्छे हो सकते हैं। जिस प्रकार इसका था हे रवि, यीशु मसीह को रवि बुलाया, सही बुलाया। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह एक संत था, सब जानते हैं, एक अच्छा गुरु था, सब जानते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा अगर ये क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के जैसे बोला वैसे चले ना तो दुनिया बदल जाए, लेकिन दुनिया तो हमको ही बदल देती है। हम कलीसिया को, हम विश्वासियों को यीशु मसीह का सुसमाचार बाहर पहुंचाना है, लेकिन बाहर का सुसमाचार हर चर्च के अंदर है, उल्टा हो गया है।
कौन जाने, कौन जाएगा यीशु मसीह को? कोई नहीं जाएगा। वो देखते क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। बुलाने से नहीं हो गया हे रबी, 40 घंटे बैठ के प्रार्थना करने से नहीं हो गया। हो सकता है आपकी अच्छी आवाज है, अच्छी तरह से गाते हैं या बजाते हैं, उससे कुछ नहीं हुआ। वो तो सभी कर सकते हैं। मेरे से अच्छा प्रवचन तो बॉलीवुड के लोग दे सकते हैं, क्या आवाज होगी उनकी। इसने जो बोला, मैं तुझे रबी इसलिए बुला रहा हूं कि मैंने दिमाग से सोचा है। क्या सोचा है? तेरे आश्चर्यकर्म को मैंने देखा है। तू परमेश्वर की ओर से है गुरु, यू आर फ्रॉम गॉड। व्हाई? क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसका पूरा सर्वेक्षण किया है कि जो चमत्कार तू करता है उसके जैसा और कोई नहीं कर सकता। ये बात भी सच है, प्रेज़ लॉर्ड, ये बात भी सच है। लेकिन चमत्कार करने से ही, उसको समझने से ही हमारा जीवन बदलेगा नहीं। आज हम इसको चाहते हैं। आज हमने यीशु मसीह को क्या बना दिया है? एक चमत्कार करने वाला। बस हमको क्या यीशु मसीह की क्यों जरूरत है कि कुछ चमत्कार हो जाए? इस व्यक्ति ने भी ऐसे बोला, हे गुरु, हे रबी, मैं तुझे इसलिए ये बुला रहा हूं क्योंकि मैंने आपके चमत्कारों को देखा है। चमत्कार को देखने से जीवन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार कर सकते हैं, करते भी हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। यीशु ने चंगाई दिया, 5,000 को खिलाया, और हम भी क्या सोचते हैं आज की महंगाई के जमाने में प्रभु हमको ऐसे ही खिलाए, नहीं हम चाहते। इसलिए यीशु बीच के चलते हैं, हे गुरु, हमने दिमाग से भी सोचा है। निकोदिमस बोल रहा है, मैंने क्या देखा? जो चमत्कार किए ना, इसलिए। हमारे दूसरे भाई लोग बोलेंगे, हमारे लिए भी चमत्कार होता है, होता है ना, तो हम क्यों यीशु को माने? Why should I accept Jesus Christ? कि चमत्कार इधर भी होता है, इधर भी होता है, क्या इससे ही हम माने? यीशु ने ये सब सुना। आज भी यीशु आप सबकी बातें सुन रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, आपकी मीठी आवाजों को सुन रहा है, आज भी सुना, आपके विचारों को देख रहा है, आपके मकसद को जानता है, सारी बातें वो जानता है। यीशु ने उत्तर दिया, 3 पद में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, सच पे सच। यहां पर बहुत ही बड़े कीमती वायदे के साथ प्रभु पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी घटी नहीं है। यदि तुम नया जन्म नहीं पाओगे तो स्वर्ग राज को नहीं देख सकते। यदि तुम नया जन्म पाओगे तब देख सकते हो। आज चमत्कारों से नहीं, चर्च में जाने से नहीं, गीत गाने से नहीं, यरूशलेम जाने से नहीं, इज़राइल जाने से नहीं, चंदा देने से नहीं, कुछ भी करने से नहीं, कुछ नहीं। क्या पाना पड़ेगा, क्या पाना पड़ेगा? नया जीवन, नया उद्धार, नया जन्म पाना पड़ेगा। अभी मैं ये मोबाइल को ऊपर फेंकू तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। मुझे भी फेंकू तो मैं भी गिर जाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज को वो गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है जो दुनिया की शक्ति को खींचने से, उसकी शक्ति उससे भी बढ़कर है। वो नहीं है नया जीवन का मतलब। लोग चोरी कर रहे हैं लेकिन हम चोरी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे दुनिया सब करती है। एक पास में कहा, थोड़ा बहुत चोरी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? और मेरा जवाब है, प्रभु ने कहा बोला जीने के लिए? प्रभु ने बोला पूछ उठा के मरो, बोला ना मरा।
ये कब मिलेगा? जब नया जीवन पाया होगा। लेकिन नया जीवन नहीं है, लेकिन नया कपड़ा है, नए विचार है, सब कुछ नया है। नया जीवन नहीं पाया इसलिए और ही गुस्सा मारते हैं, अंदर मारते हैं। क्यों? नया जीवन नहीं पाया। लोग बोलते कोई फर्क नहीं इसमें, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। तो क्यों यीशु मसीह को जाने? नया जीवन पाना है। ये निकोदिमस यीशु मसीह के बारे में बाहर से जानता था लेकिन अंदर से नहीं जानता था। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हें क्या पाना पड़ेगा? नया जीवन पाना पड़ेगा। ए राइट कंक्लूजन डजंट लीड टू ए राइट कन्वर्जन। कंक्लूजन किसका अच्छा था? यीशु चमत्कार करता है लेकिन जीवन नहीं बदला, उद्धार नहीं पाया। अगर आज मृत्यु आ जाए और आप अगले पलों में आपकी आंखें खुली और स्वर्ग पे द्वार पर खड़े हो तो स्वर्गदूत आपसे पूछे, मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं प्यारे लाल? ऐसा कोई नाम तो नहीं है? हाँ, क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैं प्यार से गाना गाता था। अरे मैं देखता हूं प्यार से गाने वाले के लिए, अरे तेरे से भी ज्यादा प्यार से गाने वाले तो और भी थे, लेकिन वो तो नरक में चिल्ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत मोटा, अगर गुजराती में मोटा, बहुत मोटा मतलब शरीर में मोटा नहीं लेकिन बड़ा है ना, ये तो बहुत मोटा पास्टर था, बड़ा पास्टर था। इसके पास तो 5,000 मंडलियां थी, 5,000 में 25,000 भेड़े थी और इन सब भेड़ों को मैं खाता था, खिलाता नहीं था, खाता था। क्या जवाब दे दिया? अरे मैं तो बपतिस्मा भी लिया। और प्रभु बोलेगा करेले को पानी में डालने से शुद्ध थोड़ी होता करेले का स्वाद जाता है क्या? करेले का स्वाद जाता है क्या? तुम्हारा स्वभाव तो कुछ नहीं बना, लेकिन शादी करने के लिए बपतिस्मा ले लिया, तो ये हुआ और तो कुछ नहीं हुआ, स्वर्ग आने के लिए नहीं हुआ। प्रभु जी सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये तो आग में तो बिना डालते ही जल जाएगा। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? 31 दिसंबर 1980 में एक रात के समय करीब 12 से ऊपर हो गए होंगे, मैं खड़े होकर प्रभु को बोला, प्रभु आज मैं नया जन्म पाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं मेरे पापों को मानता हूं, मैं एक पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। मेरे माँ बाप अच्छे विश्वासी है लेकिन उनके कारण मैं नहीं जा सकता। पासपोर्ट में बच्चों के एंट्री नहीं की जा सकती, ओके? और सबको अलग अलग पासपोर्ट चाहिए। आपके पिताजी के उद्धार के पासपोर्ट में आपका नाम चलेगा नहीं, आपको खुद का पासपोर्ट चाहिए। उस दिन उस रात को कलीसिया के सामने खड़ा होकर मैं बोला, डरते हुए कांपते हुए, मेरे तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, ऐसा लगता कि मेरे किसी शैतान ने मुझे गला पकड़ लिया हो, लेकिन मैंने आजादी के साथ बोला, खुशी के साथ बोला, आज मैं यीशु मसीह को उद्धार करता मानता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? नया जन्म का मतलब क्या है? और मैंने निकोदिमस ने पूछा, से आप पूछ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मैं फिर मां की कोख में जाऊं? ऐसा नहीं, नया जन्म पाना है। कैसे पाएंगे? इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, इसके लिए कोई कुछ करना नहीं है, वो सब हो गया। 16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, वो प्रेम हमको दिखता है ना, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना क्या दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या है, अनंत जीवन पाए। अगर विश्वास करेगा तो क्या होगा?
अनंत जीवन पाओगे। अगर नहीं विश्वास किया तो क्या होगा वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अगर विश्वास नहीं किया तो किया हो तो क्या मिलेगा? अनंत जीवन। अगर अनंत जीवन है तो कुछ और भी होगा, जरूर होगा। नाश होगा तो कुछ तो होगा उधर। और यीशु मसीह ने हमको उसके बारे में बताया। बाइबल में सबसे ज्यादा उस नष्ट होने वाली जगह के बारे में यीशु मसीह बताया है, और वह कोई बता भी नहीं सकता। वो यीशु जिसने प्रेम के बारे में बताया, वो यीशु जिसने करुणा के बारे में बताया, वो यीशु जिसने दया के बारे में बताया, वो यीशु जिसने पवित्रता के बताया, उसी यीशु ने नरक के बारे में बताया है। सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने बताया है, क्योंकि उसी को अधिकार है। और आज मेरे पास कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरे पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है। मैंने बाइबल में पहले पेज में लिखा है, मैंने नाम लिखकर में लिखा है, प्रभु मुझे ऐसी ताकत देना जैसा तू कहता है वैसा मैं भी कह सकूं। एक प्रचारक की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो क्या कहता है जो इस वचन में लिखा है, सबसे बड़ी महिमा हो। और आज मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर विश्वास नहीं किया, अगर पापों को स्वीकार नहीं किया, तो जैसे दूसरे लोग चाहते हैं वैसे आप भी जाएंगे। कहां जाएंगे? किसी ने बोला स्वर्ग मिलर है, नरक मिलर है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, दोनों कैसे मिल सकते हैं? स्वर्ग भी है नरक भी है, कैसे मिल सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है। बोला पानी भी है आग भी है, कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मर गया उसके बाद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर मरने के लिए डरते क्यों है? अरे खत्म हो गया तो डरते क्यों? हॉस्पिटल में जाते हैं और अंतिम सांस तक कुछ चुरा के रखते हैं ना, उनको मरने से पहले भी खाना देते, सही बात है? अरे यार कुछ भी नहीं है तो क्या फायदा? अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन क्या है, सच तो एक ही हो सकता है, परमेश्वर। और हिंदी में उसका मतलब ये परम ईश्वर। कितने होंगे, कितने होंगे परम ईश्वर? कितने होंगे? दो। परम चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना, परम चोटी। अगर परम 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 चोटी होगी तो तीन हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर की परिभाषा में एक ही है तो एक ही सच हो सकता है, दो सच नहीं हो सकते। अगर आप बोले ठीक है मैं तो विश्वास नहीं करता, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन से जुआ मत खेलो। अगर ये सच है तो सब कुछ खोना पड़ेगा, सच है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। और यहां के लिए कोई, अगर तुमने इस बड़े प्रेम जो यीशु मसीह ने दिखाया, इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, हमको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। क्या विश्वास? वो मेरे मारा गया, जो दंड मुझे सहने की उसने सह लिया। इतना विश्वास करोगे अनंत जीवन, अनंत जीवन। आप बोले मैंने विश्वास किया लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो क्या हुआ? नहीं, विश्वास नहीं है, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 10:28 में बोला, जो तुम्हारे शरीर को मारते हैं उस पर उसके बारे में तुम चिंता मत करो, लेकिन जो आत्मा को उस पर चिंता करो। यीशु मसीह ने कहा कि मृत्यु और उस नरक उसकी कुंजी तो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। ये नरक है कैसी जगह? मत्ती 25 में बताया कि तुम क्या करो, तुम हमेशा के लिए उस जलती हुई आग में तुम दर्द भुगतोगे हमेशा के लिए, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को नहीं पाया। ये नरक कैसी जगह है?
वास्तव में हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, वो किसके लिए बनाई गई थी? शैतान उसके दूतों के लिए। लूका 16 अध्याय में उस नष्ट होने वाले जगह के बारे में हमें एक झलक मिलती है। दो व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे? अब्राहम और कौन? लाजरस। लूका 16 में पढ़ सकते हैं। आप जानते होंगे, मैं इसमें से करीब 10 से 12 बात बताना चाहता हूं नरक के बारे में। ये नरनार व्यक्ति कहां गया? कहां गया? नरक में गया। नरक में आप देख सकते हैं, ये धनवान व्यक्ति ने देखा ना? किसको देखा? स्वर्ग में देखा। तो नरक में आप देख सकते हैं कैसा लगेगा। आज 12 तारीख है, 12 सितंबर 2013 में मैंने संदेश सुना था, लेकिन मैंने माना नहीं। अरे मेरे बाजू वाले ने मान लिया, वो तो उधर बैठ गए और मैं यहां जा रहा हूं। देखोगे? इस धनवान ने देखा, किसको देखा? जिसको हमेशा देखता था गेट के बाहर में, उसको देखा उधर। इतना नहीं, इस नरक में आपको अनुभव भी होगा। किसका अनुभव होगा? आग का अनुभव होगा। इसलिए इस धनवान की जीव क्या होगी? निकली हुई थी ना, पानी दे दे, पानी दे दे। इस नरक में हम लोग दूसरे को पहचान भी सकते हैं, देखते हैं कि पहचान भी सकते हैं। अरे वो लाजर, अरे वहां पर है अब्राहम, वहां पर है। आप कहां होंगे? आप कहां होंगे? अगर विश्वास नहीं किया तो वही जगह होंगे जहां पर लाजर है। इतना ही नहीं, इस तरह में आप बोल भी सकते हैं। और इस धनवान ने क्या बोला? ए अब्राहम, पिता लाजर को भेज दे। फिर भी नरक में उसका स्वभाव नहीं बदला, फिर भी बोला उसको भेज दे, लाजर को भेज दे। फिर भी नहीं बदला उसका स्वभाव, जो स्वभाव यहां था ना वही हो गया। भेज दे लाजर को। किसलिए भेज दे? उन नौकर को भेज दे, मेरे जिम में क्या करने के लिए? एक बूंद पानी डालने के लिए, है ना। इतनी आग में भी स्वभाव नहीं बदलेगा। क्यों? कि बदलने का समय चला गया, बदलना आज है। आज लोगों को बताना है। हो सकता है मेरी मम्मी पिछले साल गुजर गई, और मैं बैठे बड़े याद कर रहा था, करीब इसी वक्त उनको मैं हॉस्पिटल ले गया। आज कहां पर है? प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ है। मम्मी के बैठ के पास में एक व्यक्ति का जो उद्धार करता, वो नहीं मानता था ईश्वर, मुझसे को नहीं मानता था। उसने बोला आपके चेहरे में अजीब सा है। मैंने बोला मैं मेरी मम्मी को मिलूंगा, ये खुशी है, ये खुशी है। अगर आपने आनंद जीवन पाया है तो आपका चेहरा भी अलग दिखाई देगा, एक रौनक होगी, दूसरे लोग पहचानेंगे। और नरक में भी पहचान लेंगे, वो बात भी करेंगे, और नरक में वो चिल्लाएंगे। किसके लिए? दया के लिए चिल्लाएंगे। चिल्लाया ना धनवान, चिल्लाया, अरे थोड़ा सा पानी दे दे। उस दिन कोई नहीं सुनी देगा। अब्राहम ने बोला तेरे बीच में और मेरे बीच में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आज अंतर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आज अंतर नहीं है। उस कलवरी क्रूस पर दो चोर थे, दोनों एक ही डिस्टेंस में थे, लेकिन एक ने प्रभु को माना और एक ने नहीं माना। आप मेरे सुनने वाले श्रोताओं, आप भी मेरे उतने करीब और नजदीक हैं। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। क्या जानते यीशु मसीह को? नरक में हम चिल्लाएंगे ही दया के लिए, लेकिन नरक में हमको सुनाई भी देगा। अब्राहम ने जो बात किया उसको सुनाई दिया। और नरक में हम स्वार्थी हो जाएंगे, स्वार्थी लोग
सेल्फिश नहीं लेकिन इवेंजलिस्ट हो जाएंगे। क्या बोला पता इस वर्णन में, अब्राहम पिता किसी को भेज दे ताकि मेरे भाई लोग इधर नहीं आए। अरे नरक से सब चिल्ला रहे इधर मत आना, लेकिन हम बोले हमको आएंगे, नरक से सब चिल्ला रहे अरे इधर मत आओ, और हम क्या बोल रहे हम तो जाएंगे। क्या नरक क्या हम तो जाएंगे, ये क्या बता रहे हैं? चमत्कार से नहीं, हमारे गुजरात में बोलते हैं चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं, तो मैंने कहा मैं बोलता हूं नमस्कार तो वह संस्कार भी होगा एक दिन। कैसा होगा संस्कार? अरे नरक से लोग बोल रहे हैं आ चिल्ला रहे हैं इधर मत आओ इधर मत आओ, और हम क्या बोल रहे हैं हम तो नहीं विश्वास करेंगे, हम तो अपनी चलाएंगे, हम तो अपनी बात करेंगे, और नरक से नहीं आओ नहीं आओ। जो कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा, कहां जाएगा? नरक में। नरक में दूसरों के लिए हमें प्रायश्चित की बातें होगी, उनको बताने की बातें होगी, लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा उद्धार का मार्ग उद्धार का दिन आज है, आज है। इसे उनको दिवस को समझा है, पर आज मैं आपको बता रहा हूं बड़ी नंबर था किस्सा। एक बार प्रचार कर रहा था, प्रचार मीटिंग के बाद एक लड़की एक जवान सी लड़की आई, बोली मैं एक वैश्य हूं मेरा उद्धार हो सकता है। मैंने कहा प्रभु उधार देता है, उसमें कोई असंभव नहीं है। तो यीशु मसीह को उधार करता मानोगे, यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, वो तुम्हारे सारे पापों को माफ करेगा, सारे पाप। एक बार एक गांव में था, एक उसका एक पास्टर आया, बोला मैंने व्यभिचार किया है क्या होगा मेरा? मैंने कहा उधार पाया? बोले पता नहीं, उधार पाओ, उसको डंडे मत मारो पहले, फिर उधार के बारे में सिखाओ, उधार पाओ। हर दुनिया में हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको और मुझे, उनमें इच्छा है, उनमें आशा की खोज में घूम रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं दे पाते क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ दिमाग में यीशु मसीह को मानना है। मैंने छोटी पत्रिका पढ़ी बहुत समय पहले, उसमें लिखा था कि मैंने स्वर्ग को 6 इंच से मैंने खो दिया। तो 6 इंच से खो दिया मतलब क्या है? दिमाग में यीशु मसीह को जाना लेकिन हृदय में कभी नहीं माना, कितना है? करीब करीब 6 इंच। बहुत सारे लोग होंगे 6 इंच से स्वर्ग को खो देंगे। हम सब जानते यीशु मसीह के बारे में, निकोदिमुस भी जानता था, उदाहर नहीं पाने था। तो बोलता है अगर नहीं पाओगे तो नरक में जाओगे। नरक के लिए कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, पैदा हुए तो जाएंगे वही, लेकिन अगर आपको वेटिंग लिस्ट में या बिना रिजर्वेशन रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जाके खिड़की के पास खड़ा होना पड़ेगा ना, सुबह सुबह भी खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए भाई रिजर्वेशन चाहिए चाहिए, आपका नाम लिखाना पड़ेगा उस चार्ट में जो स्वर्ग में है, उसको बोलते हैं बुक ऑफ लाइफ, उस चार्ट में। और टीटी आता देखता है चार्ट में ना, चार्ट में आके बोलता है सुनाम से तुम्हारा और जे जो है, अच्छा आइडेंटी कार्ड आपको आइडेंटी कार्ड दिखाओ। क्यों? स्वर्ग में आइडेंटी कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि वहां पर कोई गलती होगी नहीं, है ना, होगी नहीं, कोई गलती नहीं होगी। आप बोलेंगे हाँ मेरा नाम सलामा है, मेरा नाम जे जॉर्ज है, अच्छा कौन से गांव के हो? अरे मैं इस गांव को, अरे आपका नाम तो है ही नहीं इधर, नहीं जरूर गलती होगी, मैंने कितनी कठिनाई दी, मैंने ये किया, इतना व्यस्त था मीटिंग में, 6 बजे लेता था, 10 बजे लेता था, 11 बजे लेता था, नहीं सोता मैं आपके और बोलेंगे क्या नाम है कौन से गाँव बोलो? औरंगाबाद जे जॉर्ज तो नहीं औरंगाबाद का, कोई गलती होगी, वोटर लिस्ट में भी गलती होती है, प्रभु आपकी भी गलती हुई होगी, जो जिन स्वर्गदूत ने बनाया शायद
चलो 500 रुपए दे दो चल जाएगा, कट लेगा क्या? बोलो नीचे तो समर्पण हो जाता है, ऊपर तो एक बार लग गया तो लग ही गया, वहां पर तो नहीं होता। प्रभु मेरे चर्च में मेरा नाम लिखा हुआ है, नंबर वन मेरा नाम है, पास्टर के बाद मैं ही हूं सबसे बड़ा। अच्छा देखा पास्टर कहां है? वो तो उधर है, वो तो उधर है, वो चिल्ला रहा है, अरे कोई है मेरा चर्च वाला, थोड़ा पानी दे दो। कितनों को मैंने पिलाया, पिलाया नहीं था, खिलाया था, इसलिए उधर है। अभी कोई नहीं पिलाएगा, कोई नहीं पिलाएगा। ईश मसीह को नाम लेने से या प्रचार करने से कोई गारंटी नहीं है सो जाओगे। आज पुलपिट के पीछे इतने सारे लोग हैं जो ईश मसीह को नहीं जानते, उनको शर्म नहीं आती ईश मसीह हमारे प्रचार करने के लिए। खुद तो अंधे हैं, सबको भी ले जा रहे हैं, उनका भुगतेंगे नरक में। हम लोग यहां पर कोई चर्च बनाने नहीं है कि वो काम तो ईश मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं कलीसिया बनाऊंगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है? चेले बनाने हैं। लेकिन उल्टा हो गया, चेले कोई और बनाएगा, चर्च हम बनाएंगे। ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। पता नहीं बाइबल कैसे पढ़ते हैं, है? उल्टा पढ़ते हैं क्या? पता नहीं मेरे कैसे पढ़ते हैं। आपको पता है कहां जा रहे हैं, क्या पता कल का दिन नहीं हो। एक लड़की ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं कल प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानूंगी, घर जाके अपने मेहमान से थोड़ा सीखूंगी क्या करना है, करना चाहिए क्या, और एक्सीडेंट में मर गई। आज ही मौका है, आज ही है। इस नरक की झलक परमेश्वर ने हमको दिया है, लूका 16 में। लेकिन सदोम और गमोरा में, अगर आप बाइबल है तो उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय और 24वां पद आप देखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 24वां अध्याय में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। क्या बरसाई? गंधक और आग। नरक में क्या है बताया आपको? नरक में भी नहीं है। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 7 और 8 में हम देखेंगे। 21वां अध्याय और 7 और 8 उसमें लिखा है, सब झूठे सब व्यभिचारी कहां जाएंगे? आग और गंधक में जाएंगे। तो सोदोम और गोमोरा का प्रभु ने क्या महसूस किया? एक स्पून लिया होगा और उस नरक में डाला होगा और एक स्पून से निकाल के पटा काम गया, सोदोम और गोमोरा में भेजा होगा और क्या हो गया? सब खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। आज औरंगाबाद को देखकर प्रभु क्या बोलता है? सोदोम और गोमोरा या प्रभु अब्राहम? लोग अब्राहम को देखता है, प्रभु अगर 50 जने होंगे तो तू उनको नाश करेगा? नहीं। हजार पैसे प्रार्थना करने वाला और नवाज शहर को प्रभु पर चाहिए है भाई, तुम्हारे पास बाकी सब के लिए काम है लेकिन प्रार्थना के लिए काम नहीं। आज कल प्रार्थना मीटिंग होती है तो 15 मिनट तो क्या प्रार्थना करना उसके बारे में निश्चय करते हैं कि क्या प्रार्थना करना, फिर अगला प्रार्थना, फिर अगला 15 मिनट होते हैं कि कौन कौन करेगा। तो देखते कि लंबा वाला मत करे। जब मैं जब छोटा था ना, जब मैं चर्च जाता था, हमारे एक ट्रिक था, हम क्या करते थे, हम सब ऐसे बैठते थे तो मैं और मेरा भाई बोलते थे अपन पहले प्रार्थना करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पास्टर डांटेगा हमको। तो पहले लंबी चौड़ी प्रार्थना कर लेते थे, प्रभु हमको ही बचा, सबको बचा, सबको दे, खत्म बात। कितना आगे, सब आगे, वन इन ऑल, है ना, हमारी यही प्रार्थना है, वन इन ऑल। और हम क्या उसे बुरी प्रार्थना तो करी ना मैंने, अरे नौकरी के लिए क्या, अरे नौकरी में जाना प्रार्थना करना, चलो बाइबल खोल के देखते हैं, प्रभु आज मेरी नौकरी है, बाइबल खोल के देखते हैं कि क्या बाइबल में क्या है, तो बोलते इनकी पिंकी क्या है, अच्छा अच्छा जाके जल्दी से फांसी में चढ़ जाओ, अरे लगे तो नहीं चाहिए मेरे को, प्रभु ये क्या बोल रहा है। फिर देखते प्रभु दो बार, पत्रस भी 3 बार माफी मांगी थी ना, 3 बार कहते ना, नहीं दो दूसरी बार
हे रुकते हैं जल्दी कर। ऐसे तो हम बाइबल पढ़ते तो बिल्डों को क्या देंगे, क्या दे? कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आनंद जीवन जिसने पाया है, मैं मेरे चर्च में लोगों को बोलता हूं, अगर आपका बच्चा बीमार है और वो आईसीयू में है, रात को कितनी आप आंखें खोल खोल कर बैठते हैं उसके लिए, क्यों? उससे प्रेम करते हैं ना, लेकिन संजय सुबह तो आंखें खुलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम मैं अपने आप से करता हूं, प्रभु से नहीं। शायद हमने जीवन में कुछ घड़ी होगी, होगी शायद पाया नहीं होगा। मैंने 10-15 दिन मेरी मम्मी के साथ बाहर बैठ के नींद भी नहीं आ रही थी। मैं प्रेम करता हूं। अगर हमने अनंत जीवन पाया है तो हम लोगों को देखेंगे वो नरक में जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम पूरी मेहनत करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे उनको उस महान यीशु मसीह के बारे में। स्वर्ग के नीचे, दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो क्या नाम है? यीशु मसीह का नाम है, उसके अलावा कोई उद्धार नहीं। क्या करेंगे आप? कितनों को बताएंगे? बहुत भयानक जगह है। अगर विश्वास नहीं किया अनंत जीवन कहां बिताएंगे? नरक में। अगर आप मेरे साथ प्रभु का वचन निकाले, प्रकाशित वाक्य में आए, 21वां अध्याय में आए, और वहां पे कौन कौन लोग जाते हैं, वहां पे बताया गया कि कौन कौन लोग जाते हैं, और यहां पे लिखा है उसका 21 का और 7वां और 8वां पद लिखा है, परंतु डरपोक अविश्वासी और जिन्होंने और हत्यारे और व्यभिचार और टोना और मूर्ति पूजा और सब झूठ वाले कहां जाएंगे? ये डरपोक का मतलब क्या है? डरपोक क्या है? एक बार एक मीटिंग में जोधपुर में कैंप था, मैं प्रचार कर रहा था, उसके बाद एक व्यक्ति आया, एक लड़का जवान साला, बोला कि सर मैं तो डरपोक था, मैं डरता था लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे, क्या मेरी शादी होगी, क्या ये सब कर मैं डर गया था, इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करने में घबराता था। क्या आपको डर लग रहा है? आप लोगों का जीव वचन आया है, जगह में मैं गया, मैं प्रचार किया, उसके बाद कोई मेरी पूरी मीटिंग कैंसिल कर दी, बोला हम ऐसा प्रचार नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई तो बताना है। यीशु मसीह में जो है वो डरपोक नहीं। एक बार एक व्यक्ति को रोका, तू प्रचार करेगा तो जेल में डाल दूंगा, उसने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों में पूरी बाइबल पढ़े हुए, मैं जेल में बैठ के पूरी बाइबल पढ़ूंगा, पागल लेके उड़ा दूंगा तेरे को, वो तो और भी अच्छी बात है, मैं प्रभु को आमने सामने आराधना करूंगा, अरे तो पागल है, छोड़ दे इसको। हाँ हाँ अरे आपका एक बात भी बाका नहीं होगा, होगा क्या? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? एक बार एक चर्च में मुझे बुलाया, बोला सर प्रभु जी, प्रभु के दास, आप है ना नया नियम के बारे में प्रचार मत करना। मैंने कहा मेरे पास और है ही क्या? अंडों को आके नहीं दूंगा तो मैं क्या दूं? नाक दूं क्या? क्या फायदा? फायदा है क्या? मैंने कहा मेरे पास नया जन्म के अलावा कोई प्रचार आता ही नहीं है, नया जन्म लिया ये सबसे मुख्य बात है। मैंने कहा मेरे को नहीं आना आपके चर्च में, मेरे सर आपको बहुत बड़ी रकम देंगे। नया रकम के लिए प्रचार करता हूं क्या? अनंत जीवन उससे भी कहीं बेहतर है। क्या डर रहे क्या? नौकरी चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। ये सब डरा रहे हैं आपको, डर को लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? डर के कारण वो यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं मानते। क्या आप में से कोई ऐसा है? आप जवाब नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं डर रहे क्या? अरे मैं
यीशु मसीह को मानूंगा, उसको उद्धारकर्ता मानूंगा तो क्या होगा? डर रहे हैं। मैं भी डरता था, मैं तो उद्धार पाने के बाद भी डरता था। मैं देखता था कोई देख तो नहीं रहा मेरे को, प्रार्थना कर रहे मैं देखता नहीं, तो मैं जल्दी से फटाफट है ना, यूं खत्म है ना, खत्म। मेरे डरता था मैं। हमारे चर्च ये ना पर्चा बांटने जाता था तो मुझे सबको बांटो, मैं किसको बांटता था, डरता था किसको बांटता था, जो मेरे को सबसे कमजोर लगे है पर्चा लेके, मैंने बोलता भाग, पूछना मुझे मेरे से। डर लग रहा है। और दूसरा क्या है, अविश्वासी। इतना सारे सबूतों के बाद भी विश्वास नहीं करते। एक जने ने बोला, आज सबसे ज्यादा विश्वास नहीं करने वाले दो जने, एक तो पास्टर और दूसरे चर्च वाले, ये बाइबल को विश्वास नहीं करते। मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा, शायद सच होगा, अगर अपन सर्वे करें तो पता लगेगा। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक कौन सी है? बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। लेकिन कितनों ने कौन पढ़ता, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं ना सेवा करना चाहता हूं। अरे बाइबल पढ़ी क्या? अरे टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कुछ और कर दो जिसमें टाइम मिलता है। अविश्वास। प्रभु के वचन में क्या बोला कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हम विश्वास नहीं करते, शायद अपना जीवन नहीं पाया है। मैं नहीं बोला कि हमसे गलती नहीं होगी, मैं नहीं बोला गलती हो सकती है, लेकिन क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। जिन्होंने हम ऐसे काम में फंसे हुए हैं, ऐसी आदतें हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। एक बार लगा के बोला कि मैं नशा करता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मैं इतनी बार रिहैब सेंटर में गया हूं। मैंने कहा कहीं भी जा, कुछ नहीं हो सकता जब तक जीवन नहीं बदलेगा, नया जीवन नहीं पाएगा, ये घिनौना काम नहीं जाएगा। उसको मैं बिठाया, वचन से सिखाया, उसने उधार पाया, उधार पाया। सात बातें करने से मानो उद्धार नहीं हुआ। हम जिन्होंने काम में फंसे हुए, प्रभु दास भक्त से एक विश्वास नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह को जाना, उसको अपना प्रभु माना, नया जीवन पाया। उसने बोला मैं जाता हूं दिल्ली में जाता हूं, उस आइसक्रीम वाले के पास जाता हूं जहां से हम जवानों ने आइसक्रीम चुराई थी। वो बूढ़ा था, उसको दिखता नहीं था, हम जवान घेर लेते थे, वो एक गदन दो निकाल लेते थे, उसके पास मैं जा रहा हूं। और वो गया, बोला अंकल चाचा, बहुत साल पहले मैंने आपकी आइसक्रीम चुराई थी। अरे आगे ले गया, अभी बता रहा है क्या? नहीं, बोला मैंने माफ किया है, जिन्होंने काम छोड़ दिए। एक बार एक गांव में मैं प्रचार कर रहा था, तो बाहर टेंट लगा हुआ था, तो मैंने ऊपर देखा, क्या देखा, बिजली की चोरी हो रही थी। ऐसे टांग के मेरे को बाइबल सिखा रहे थे। मैंने कहा क्या जमाना आ गया, शैतान चमकाता है प्रभु का वचन। हाँ, मैंने कहा इसको निकालो और एक दिया लगाओ। बस वो आखिरी बार उस गांव में मेरा प्रवेश था। क्यों? मैंने जिन्होंने काम को बताया, मैंने जिन्होंने काम को इसलिए बताया कि यीशु मसीह को नहीं मानोगे तो ये जिन्होंने काम कभी नहीं जाएंगे। क्या आपकी आदतें नहीं छोड़ती, नहीं छूटती? हो सकता है अलग आदतें हो, वो छूटती नहीं है। और आप बोलते हैं मेरा नाम पत्रस है, पीटर, लेकिन आदतें कैसी है, क्यों नहीं छूटती? शानदार नहीं पाया है, नहीं जाएंगे नरक, और मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूं कि हम नरक आप स्वर्ग जाएंगे? मेरे विश्वासी हो, क्या आदतें नहीं छूट रही? शायद जीवन में झांक के देखने का है, प्रभु यीशु मसीह को तारण करके पाया है क्या, पाया है क्या? मैं नहीं बोल रहा कि एक दिन में आदत चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ,
धीरे धीरे करके क्या होगा, हमको करने का मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं क्यों, क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे में अनंत जीवन है, गिनों में काम नहीं करता। मैं कहां जा रहा हूं? स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। क्या डरपोक है, अविश्वासी है, गिनों में काम करने वाले हैं, ये आपको रोक रहा है। इसी बात में कहा है हत्यारा और निर्विचार। हाल ही न्यूज पेपर पढ़ो, क्या मिलता है, क्या दिखता है, क्या दिखता है? सदोम और गमोरा जैसा लग रहा है। कितने अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं वो इस पाप में कितने गिरते जा रहे, डर लगता है, डर लगता है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तीन चार हफ्ते पहले मैंने स्टूडेंट से पूछा आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करते हैं, तो बोले कि सर आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पाप में नहीं गिरे। कितनी अच्छी बात। मैंने बोला प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि शैतान पूरी तरह से गिराना चाहता है। क्या बार बार इस पाप में गिरते जाते हैं? कोई बेचारी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसको ये फरीसी लोग लेके आए, धार्मिक लोग लेके आए, इस पर क्या करो, इसको पथराव करो, क्या ये वचन में नहीं लिखा है? यीशु ने कहा लिखा है, लेकिन वो एक पहला पत्र उठाए, वो एक पहला पत्र उठाए कि यीशु मसीह सबके नाम जानता था जो पत्र लेके आया था, कि वो भी सब इसके साथ विचार किया होगा, जानता था सब। क्या हो गया, चुपके से चले गए। कितनी दुख की बात होती है ऐसे पाप करने वाले वचन को लेकर सुनाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलते हैं, ये मेरा काम नहीं, प्रभु का काम है। लेकिन चर्च बिल्डिंग के लिए तो प्रभु का काम है, आपका काम है, आप दो हमको, सही बात है ना, इसके लिए प्रभु का काम है, प्रभु देखेगा। मैंने कहा क्या है, आंख जो देखता नहीं, कान है वो सुनता नहीं है, मुंह है जो बोलता नहीं है, क्या करेंगे? ये कौन है, वो लोग कौन है आप जानते हैं? अरे ये बेचारी भी प्रभु के पास आ सकता है। प्रभु ने स्त्री को कहा आओ ऐसा मत करना, आओ ऐसा मत करना। प्रिय विश्वासियों, क्या आप सोचते कि मैंने इतना भयंकर पाप किया है इसमें मैं आ नहीं सकता? लेकिन मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और जो कोई उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, जो कोई मैं भी पापी। पौलुस क्या बोलता है, सबसे मुख्य पापी कौन हूं मैं? हम लोग क्या बोलते हैं, तू मुख्य पापी, मैं तेरे से कम हूं, मैं तो 50 रुपए लिए, तूने 100 रुपए लिए। आज हमारे कलीसियाओं में विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं ये पाप इतना फैल गया है, इतना फैल गया है, कौन बोलेगा? सदोम और गमोरा की आग आने वाली, वो नाराज दिखाई दे रहा, प्रभु का आगमन निकट है जब वो न्याय करेगा। और फिर क्या लिखा, टोना, टोना मतलब क्या है, जादू टोना। बड़े जने के घर में प्रार्थना करने गए, हुआ हुआ था, लेकिन प्रार्थना का उत्तर मिलता ही नहीं था, बहुत प्रार्थना किया। एक दिन हमारे पास साहब ने पूछा भाई कोई ऐसा काम किया है कि आपने जो प्रभु के योग्य नहीं है, कोई भागा भागा बांधा नहीं है? छोटा सा है, छोटा सा जिसमें घोड़े की पूंछ रखी है, बोला है कि वो निकालूंगा तो फिर मेरे को बीमारी आती नहीं। हमने बोला हम प्रार्थना नहीं कर सकते, दुनिया में एक मात्र नाम है जो चंगाई देता है,
आत्मिक चंगाई देता हूं कौन है? प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आपको हमको हम मुझे नहीं पता रहे, हमारे साउथ में जब लड़कियां शादी करके आती हैं तो पूरा गांव देखता है कि कौन सा पैर आगे रखा है, दाएं या बाएं, क्योंकि अशुभ अशुभ वहां से चालू होता है। उसका परिवार कैसा होगा, विश्वासी हो अविश्वासी हो, उससे कोई लेन देन नहीं, ये देखें दाएं है बाएं है। तो मैंने मेरे एक बहन को बोला, तू जब जाएगी ना तो कूद ना तू। फिर देखियो क्या बोलते हैं, सब देखेंगे दाएं है या बाएं है। हम सब लोग अलग अलग जादू टोना में फंसे हुए हैं, इसलिए हम ईश्वर को उद्धार करता नहीं मानते। कई ने दिल लगा रखा है, कई ने इसको लगा रखा है। आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ मोमबत्ती जला के रखता हूं, मैं बोलता हूँ मेरे स्टोन को मैं मर जाऊंगा तो फूल मत देना मेरे लिए, फूल दो तो अभी दो, मरने के बाद क्या करूंगा मैं, अभी दो मेरे को फूल, तुम मोमबत्ती दे तो अभी दो, मेरे मरने के बाद मुझे मोमबत्ती की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, वो खुला रास्ता है, चल नरक के लिए जरूर होगा, है ना। मेरे रिश्तेदार कई यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हमारे ताऊ की मृत्यु हुई तो मैं 40 दिन तक कुछ नहीं कर रहा, मैंने कहा क्यों, उसकी आत्मा घूम रही है। मैंने कहा अरे बाप रे, आत्मा घूम रही है, 40 दिन के बाद ही हम कुछ करेंगे। मैंने कहा आप मत करो मैं करता हूं, हाँ शुभ शुभ। अरे उधार नहीं पाया, उधार नहीं पाया। हम लोग, दुनिया के लोग जो बाइबल को एक हाथ में लेते हैं और जादू टोना को दूसरे हाथ में लेते हैं, वो लोग कभी भी नया जन्म नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। एक बार मैं घर में आया तो दो स्त्री आई, दो स्त्री ने मेरी मम्मी को पता नहीं क्या बात की, मैंने भी बहुत बोली थी उसको, कुछ कुछ बोले जा रही थी, मैं पहुंचा, पहुंचते ही बोला अरे आपके लड़के को पेट की बीमारी हो तो है, मेरे को बोले कि यार ये पानी पी लो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला यीशु मसीह का अनुग्रह इस पानी से कहीं बढ़कर है, प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं बढ़कर है। मेरे डांट लगाई अगली बार यहां पर मत आना, पर तुमने हमारा अपमान किया, अपमान किया। मैंने कहा नहीं अपमान नहीं किया, ये गलत है, आप यीशु मसीह को मानो, ये जादू टोना कहीं नहीं ले जाएगा आपको, अंधविश्वास कहीं नहीं ले जाएगा। इन अंधविश्वास ने आपको यीशु मसीह के बारे में समझने के लिए रोक रखा है, कहां जाओगे, नरक में जाओगे, क्यों जाना चाहते हो। आज यीशु मसीह का समझो समाचार, आओ मेरे पास, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जयपुर में रहता था, सुबह उठ के देखा तो बाल का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मैंने मेरी घरवाली को बोला कि लाइक तुमने क्यों बच्चों के बाल डाल दिए, ये तुमने बिल्कुल घर के आगे रख रखा है। बोले मैंने तो नहीं काटा। मैंने कहा चलो हवा छोड़ के आगे हो, दूसरे दिन भी वही बाल, थोड़ा सा और। मैंने कहा मेरे बाल होंगे। तीसरे दिन देखा, मैं तो उसको ऐसा था है। हम नहीं डरते क्योंकि हम कौन से लोग हैं, प्रभु के लोग, प्रभु के लोग। विश्वासियों इतना अंधविश्वास हो गया है। मेरे एक जान पहचान की शादी हो रही थी तो बोले कि भाई तू शादी क्यों नहीं कर रहा, बोले वो चंद्र में मानते नहीं है, उनके लिए तो पूरा दिन अशुभ है, सिर्फ संडे के अलावा, संडे को शुभ दिन है बाकी सब अशुभ है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, फ्राइडे को जाओ ना, नहीं नहीं वो तो अशुभ दिन है, अरे तुम मंगलवार को जाओ, नहीं 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 उसमें तो बारिश हो रही थी। अरे बाप रे बाप क्या है यार, उस चर्च में जाके प्रचार करने का मौका मिला। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश था पश्चाताप करो, प्रेज़ द लॉर्ड। यमुना बपतिस्मा देने का पहला संदेश था पश्चाताप करो,
पत्रस का पहला संदेश था पछताव करो, पौलुस का पहला संदेश था पछताव करो, और आज मेरा संदेश है पछताव करो और विश्वास करो। मूर्ति पूजक आप बोलेंगे कि हमारे तो कुछ है नहीं है, लेकिन हम भी मूर्ति पूजक हैं। चल मूर्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी मूर्ति है जो आप और मैं जानते हैं, अपने आप में जानते हैं। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की बात है, एक व्यक्ति ने बोला जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कार में दफना देना, कि कार उसकी मूर्ति थी, तो मर गया ना तो उसको कार में दफनाया, कार में स्टीयरिंग में बैठा और उसको दफनाया। प्रिय विश्वासियों, आज मेरी जो आवाज सुन रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते वो मूर्ति के साथ आप कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? वो उस अनंत काल की नरक में कौन सी मूर्ति है? आपके बच्चे आपकी मूर्ति हो सकते हैं, आपका काम आपकी मूर्ति हो सकता है। मतलब क्या है? जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर है वो एक हमारे लिए मूर्ति हो जाती है, मूर्ति हो जाती है। और सब झूठ बोलने वाले, एक बार एक लड़के ने बोला पापा मेरी झूठ बोलने की आदत जाती नहीं, क्या करूं? तो उसने बोला अगली बार तू झूठ बोलेगा ना तो शर्ट में एक छेद कर देना तेरे शर्ट में। वो शाम तक आया बोला अब छेद करने की जगह नहीं रही पापा। आप बोलेंगे पास्टर साहब मैं तो एक बोलता हूं वो भी काला नहीं थोड़ा सा बीच वाला, काला और बीच का है ना, थोड़ा बोलता हूं एक, अगर एक सपोज 10 ग्राम का होगा तो 30 दिन में कितने हो गए? 30 × 10 300 हो गए ना, 300 × 10 कितना हो गया? 3 किलो का हो गया ना, हो गया ना। अभी 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 9वां महीना चल रहा है ना, 9वां महीना सितंबर में कितना हो गया, कितना हो गया लगाओ? 27 किलो लेके बैठे ऐसे बैठे 27 किलो लेके, और आप क्या बोल रहे हैं एक ही तो किए देने में, मेरा भाई तो 55 लेके बैठे। हम लोग फंसे हुए हैं झूठ में, इसलिए ऊपर देख नहीं सकते, इसलिए देख पा रहे हैं, डुकरों भी जैसे नीचे देख के चल रहे हैं, और जब परेशानी आती है सब डुकर ऊपर देखकर क्या बोलता करता है ना, पाप के बोझ से हम चले जा रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? मैंने एक ही झूठ बोला, एक ही झूठ बोला, चाहे 5 रुपए की थी लेकिन बिल देना है डायरेक्टर साहब को 7 रुपए लिख दिया, 2 रुपए इधर से कमाया 2 रुपए उधर से कमाया। हमारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना तो किसी किसी के तो मोटरसाइकिल की लॉटरी लग जाती है, हम पूछते हैं कहां से आया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ऊपर से फेंका क्या ना? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मुंह खोलो मैं भर दूंगा, भरेगा नहीं मोटरसाइकिल दूंगा उसमें बैठ के मुंह खोलना। क्या है? चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं ये भी बोलता हूं मुझे झूठ बोलने वाले से बहुत नफरत है, मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूं लेकिन झूठ बोलना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि क्यों वो नरक की ओर ले जाता है इसलिए मैं भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरा सोच वचन के आधार पर है, मैं बच्चों को बोलता हूं तुम्हारा पापा किसी बात में नहीं मारेगा, तुम मैथ्स में अंडा भी लेके आओ कोई बात नहीं, अंडा को तोड़ के आमलेट बना सकते हैं, लेकिन झूठ बोला ना। मेरी बड़ी लड़की जब 6ठी क्लास में थी तो वो प्रोजेक्ट बनाना था तो उसकी मम्मी ने मदद किया, वो प्रोजेक्ट ले गई, टीचर ने पूछा क्या तुमने माँ बाप की मदद करी, इसने बोला हाँ, और उसको बहुत कम मार दिए, बाकी लोगों ने तो कुछ भी बोला होगा, वो घर में रोती रोती आई बोले मम्मी मेरे को इतना कम मार दिया, मैंने सच बोला लेकिन सब मेरे दोस्तों ने तो झूठ बोला, उसको तो यही नंबर दिया है और हमने उनको बोला। बेटे कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह तुझे यही दिया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने यही दिया है।
तुमने सच बोला, डैडी मम्मी तुम्हारे मार्ग की चिंता नहीं करते। आजकल हमारे बच्चे चीटिंग करके आते हैं, 90% लेके आते हैं, चर्च में धन्यवाद की प्रार्थना होती है। वो लड़का सोचता है क्या यार, हम इतनी चोरी किया है, धन्यवाद की प्रार्थना हो रही है, प्रभु ने बड़ी आशीष दी है, मेरा लड़का 90 लेके आया है। लेकिन मन में सोचता है मैं चोरी से लेके आया, मेरे किसी घर में जाके पूछता हूँ आपका ये मकान चोरी से तो नहीं बना है ना, इसलिए मैंने मेरे पूरी जिंदगी में 5 बार घर का उद्घाटन किया है, 18 साल की सेल कही है, कि कोई बुलाता ही नहीं है, कि पहला प्रश्न यही पूछता हूँ चोरी से तो नहीं बनाया है, कि चोरी से बनाए तो मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, झूठ नहीं कर सकता मैं, कहां जाएंगे, मैं क्यों सख्त हूं कि झूठ बोलने वाला कहां जाएगा, नरक में जाएगा। मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी आत्मा की चिंता है, इसलिए मैं प्रचार करता हूं, इसलिए मैं झूठ के साथ सख्त हूं, व्यभिचार के साथ सख्त हूं, कि यीशु मसीह बोलता है ऐसे लोग नहीं जाएंगे। एक बार कॉलेज में प्रचार किया, तुम झूठ मत बोलना 10 आज्ञा में से। उसके बाद एक लड़का आया, सर मैंने तो अंडा चुराया था 3-4 साल पहले, क्या करो, भेज दूं क्या? मैंने कहा नहीं, भेजेगा तो उधर पहुंचते पहुंचते चिकन बन जाएगा, अभी मत भेज, कि जब घर जाएगा उधर जाके बोलना मैंने अंडा चुराया था। जिस दिन ज़कियस के घर में उधार आया उसने क्या बोला, मैं जाके जिसका चुराया मैं देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, यही दुनिया देखना चाहती है हम क्या बोलते हैं। आप यीशु मसीह के भक्त हैं तो झूठ बोलते हैं क्या? एक नया पास्टर एक चर्च में आया तो वहां वो गया उधार के लिए रिलायंस की शॉप में गया, ना वहां जाके से सामान वामान खरीदा, खरीदने के बाद वो कैशियर को दिया, फिर कंप्यूटर में टकटक हो जाता है ना, हो गया, उसने पैसे दिए और वो हाथ में लेके ज्यादा खुला था रख दिया और उधार गया, गिनने लगा, गिना तो बोला बोला तो ज्यादा गया, वो वापिस गया। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने मेरी महंगाई में मेरी सुन ली, क्या प्रार्थना है, हम महंगाई है सुन ली, ऐसी जगह नहीं हम। वो पास्टर गया बोला कैशर जी बहन ये ज्यादा पैसे दिए गलती से, उसने बोला गलती से नहीं, जान पूछ के देखने के लिए नया पास्टर कैसा है, कैसा है, क्या ये स्वर्ग के बारे में झूठ होके बोलेगा क्या, मेरे को नहीं सुनना इनका। आज दुनिया में सब ऐसे बोलते हैं, मुझे तो शर्म आती है, देख ये पास्टर, देख तुम्हारे क्रिस्ती में, देख ये देख ये देख, बोले सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं इतना ही बोल सकता हूं, अगर मेरे में कुछ है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैंने दूसरों का ठेका नहीं लिया है, मेहनत मैं माफी मांगता हूं। अगर मैंने कुछ किया है ईश्वर के नाम में धब्बा लगाया, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं गलत करूंगा आपको भी नरक में ले जाऊंगा। झूठ बोलते हैं। एक बार मैं बहुत ट्रेन टिकट मेरी होती है, तो वहां का भी जो हेड क्लर्क बोला कि मैं ये जे जॉर्ज से मिलना चाहता हूं, इतनी टिकट देता है वो कौन है वो आदमी, तो बोला क्यों, मैं बोला आप करते क्यों, मैं बोला मैं आत्मा की फैक्ट्री में काम करता हूँ, आत्मा की फैक्ट्री में कर्जत में हो, इधर भी सोच रहे आत्मा की फैक्ट्री है, बोलो तो बोले मेरी बदलापुर का है, बदलापुर का। एक बार क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, मैंने टिकट लिया और पैसे लेके, बारिश का समय था, इतनी भीड़ थी, 2-3 घंटे के बाद नंबर आया और वहां पे लोग खड़े, साहब जी मैंने ऑटो लाइन में खड़ा होते लिया, मैं घर पहुंचा जेल में गिना तो 50 रुपए ज्यादा थे, मुझे बहुत गुस्सा आया, अरे यार फिर 10 किलोमीटर जाऊं 50 रुपए देने के लिए, यार मन में आया छोड़ दे यार, बराबर हो गया कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, नहीं मैं तो फिर मेरे भाई से बोला मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा था और मैं वहां गया, उतनी भीड़। उस आदमी को बोला भाई ये आपने कैसे ज्यादा दी, मैं दीदी नहीं ले लो। उसने थैंक यू भी नहीं बोलो। बहुत गुस्सा है मेरे को, कैसे लोग हैं, कम से कम इतना दूर कर थैंक यू तो बोलना चाहिए। वो तो हाँ हाँ ठीक अंदर ठीक। लेकिन 3 महीने हो गए होंगे शायद, मैं टिकट बुक करने गया था, वही व्यक्ति था, भीड़ नहीं थी। मेरे को बोला साहब उस दिन बहुत लोग थे इसलिए मैंने आपसे बात नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने 50 रुपया आके मुझे दिया, आपका चेहरा मुझे हमेशा याद था। आप भले व्यक्ति क्या करते हैं? मैंने कहा मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? हाँ सुनाओ यार, जब इतना अच्छा करके कुछ तो सुना। सुनाने का मौका मिला। क्यों हमको उनकी आत्मा की परवाह है? आजकल के प्रभु के लोगों को, क्रिस्ती लोगों को, विश्वासी लोगों को सिर्फ उनकी परवाह है, अपने पेट की ना, अपने मान की, अपने दान की, अपनी महिमा की। लेकिन आत्माओं के लिए कोई परवाह नहीं है। आज मेरे आवाज के नीचे जो बैठा है, अगर आप ऐसे में हैं तो आपको भी आग और गंधक मिलेगी। वहां पर ऐसी आग होगी, जलेंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। उसकी भी प्रभु ने दिया है। मूसा की झाड़ी जल रही थी लेकिन क्या हो रहा था? दस मिनट हो रहा था। वो भी उदाहरण उनको दिया है। विश्वासियों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको जानता नहीं, क्या पता कल फिर मौका मिले या ना मिले। जैसे हमने गीत सुना, कल का क्या होगा मुझे कल के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पता है, मेरा कल किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। प्लीज आपका किसके हाथ में है? एक लड़की थी, वो अपनी माँ से बहुत ईर्ष्या रखती थी, बहुत ईर्ष्या रखती थी। वो अपनी माँ बोलती, तूने मुझे जन्म क्यों दिया, तू क्यों यहां से चली जा? क्योंकि इस माँ का मुंह बहुत बदसूरत था, दिखने में कोई खूबसूरती नहीं थी। एक दिन उसका जन्मदिवस था, इसने अपने सहेलियों को बुलाया था। उसने अपनी माँ को बोला, आज मेरी सहेलियां मेरे बर्थडे के लिए, जन्मदिवस के लिए आएंगी, तू दिखाई मत देना, पीछे खड़े हो जाना, आना मत। उनकी पार्टी चल रही थी, एक लड़की संयोग से पीछे की ओर गई और इस अम्मा को देखा और आके पूछा, वो कौन है? वो तो मेरी नौकरानी है। माँ ने ये सुना, उसका दिल टूट गया। पार्टी खत्म हुई, उसने बेटी को बुलाया, मैं तुमसे एक बार बात कर, नहीं मैं तो बात मत करना, मैंने आपको बोला था मुंह मत दिखाना, तुम क्यों आए? बेटी एक बार सुन लो ना, एक बार नहीं सुनना, तुम्हारा चेहरा भी बदसूरत है, तुम्हारी बात भी बदसूरत है, नहीं सुनना। अरे सुन लो एक बार, फिर कभी मत सुनना। अच्छा सुनाओ सुनाओ। बेटी से तो बहुत छोटी थी, मैं किचन में खाना बना रही थी और तू उस शीट से बने हुए जो झूला होता है ना, उसमें तू लेटी हुई थी। मैं किस काम से कुछ भाग गई तो मैं देखा कि जब मैं देखा कि जो आग लग गई और तुम आग में हो, मैंने आग की परवाह नहीं करी, मैंने तेरी परवाह करी। मैं अंदर आई, तुझे उठाया, तुझे मैंने अपने गले में लगाया, छाती में लगाया और मैं भागी कि तू बचे, मेरा बदसूरतपन तो चलेगा, इसलिए तू बच गई। उस लड़की ने बोला, माँ उसके हाथ पहली बार उसके हाथ से उस माँ का मुंह पहुंचा, तू सबसे प्यारी माँ है, तूने मेरी जान बचाई। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर आपके मेरे लिए
मारा गया, उस पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको भाला मारा, प्यास लगी, सिरका पिलाया, क्यों किया ये? वचन में लिखा है वो बदसूरत हो गया। क्यों? क्यों? आपके और मेरे लिए, ताकि हमेशा के लिए हम नरक में नहीं जाएं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उस बच्ची जैसे समझने के बाद भी, वो जो समझ गई थी लेकिन आज भी हम समझते नहीं है। प्रिय विश्वासी, कहां जाओगे? कहां जाओगे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम, जो कुछ पर विश्वास करें वो नाश ना हो, नहीं करें। ये बातें मैंने आपको बताई, कहां जाएंगे?